इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपसे अभी जैसे हमें हमने ये भी देख लिया कि मतलब क्या क्या चाहिए कैसे करना है वो सब, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना उनके सामने बहुत बड़ी जो सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो है अकोमोडेशन, रहेंगे कहाँ, कैसे रहें, कैसे घर कैसे मिलेगा। और अगर आपका रहने का अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाता ना बॉम्बे में तो आपका समझो 50% जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया, 50% आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है अगर आपको एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन आपको मिल गया, क्योंकि रहने की जगह मिलेगी उसके बाद ही बाकी सारे काम चलेंगे। अगर रहने की जगह मिलेगी तब आप मोबाइल नंबर लोगे, फिर आप बनाओगे, फिर आप तो जो बॉम्बे आने के बाद जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो सबसे पहले ये है कि आपको घर लेना, और घर मिलेगा कैसे, घर मिलने का यहाँ पे क्या डायरेक्ट नहीं मिलता रेंट पे ना, डायरेक्ट कोई नहीं मिलता, जो ब्रोकर है हर जगह मैक्सिमम जो काम ब्रोकर के थ्रू होता है। तो अब सपोज घर आपको रेंट पे लेना है कहीं पे, और घर का 5,000 रुपये रेंट है, 5,000 भाड़ा है, तो उस 5,000 के ऊपर आपको 30,000 से 40-50,000 जो भी है उनका एक डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट जाएगा, डिपॉजिट के बाद जो ब्रोकर है उसका कमीशन 1 महीने का उसको देना पड़ेगा, 1 महीने का पहले से 2 महीने का तक, 1 महीने 2 महीने डिपेंड करता है, 1 महीने हो रहे हैं रेंट कितना हो रहा है, हाँ, और ब्रोकरेज 1 महीने का उसको जाएगा, डिपॉजिट जाएगा, बाकी फिर 1 साल बाद 11 महीने बाद वो एग्रीमेंट रिन्यू होगा, रिन्यू होगा तो फिर 1 महीने का ब्रोकर को देना पड़ेगा, और हर साल जो 10% जो बढ़ता है वो एक सिस्टम है। अगर रूम रेंट पे लेना तो ये प्रोसेस है कि आपको डिपॉजिट देना, 1 महीने की ब्रोकरेज देनी, बट लॉन्ग टर्म में रूम लेना ज़्यादा बेटर है कि रूम आपने ले लिया, एग्रीमेंट आपके नाम से है तो आपको बैंक अकाउंट खोलना है और यहाँ कुछ भी काम करना है, तो वो एक अच्छा मतलब ज़्यादा इफेक्टिव काम है। आपके पास अपना रूम है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, उसमें 2 लोग रह रहे हैं 4 लोग रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़्यादा बेटर। और ठीक है सपोज आप नए आए हो और आपको आप नहीं डिपॉजिट देना अफोर्ड कर पा रहे हो, डिपॉजिट नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है कोई जानने वाला है किसी ने अगर रूम लिया तो उसके साथ आप पीजी में शेयर करो, और नहीं तो पीजी अकोमोडेशन भी मिल जाता ब्रोकर के थ्रू, कोई स्टेशन पर मीरा रोड में या इधर कहीं भी उतरोगे तो स्टेशन में बड़े बड़े आप देखोगे पीजी अकोमोडेशन के, बाहर से लोग आते हैं ना तो पीजी में रहते हैं, पीजी में क्या है डिपॉजिट देने का जरूरत नहीं है, जो कि 4,000 5,000 जो भी है आपको रेंट तो 1 महीने का आपको जो भी ब्रोकरेज आपको देना है वो तो पर पीजी में क्या है रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उतना फ्रीडम नहीं जितना अपने रूम में जो फ्रीडम है उतना फ्रीडम नहीं है। और ये ठीक है आप आए आपको आते ही रहना है और शुरुआत करनी है तो पीजी अकोमोडेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और फिर अभी क्या होता है कि सपोज कोई लड़के ने किसी ने रूम लिया मेरे साथ, कोई है नया आया उसने रूम ले लिया, अब उसने रूम ले लिया डिपॉजिट दे दिया, अब कोई ऐसा लड़का आया कि जिसके पास डिपॉजिट देने को नहीं है, ठीक है भैया रेंट शेयर करके एडजस्ट, ऐसे भी लोग करते हैं कि ठीक है इसने डिपॉजिट दे दिया रूम ले लिया बाकी 3 लोग और साथ में आ गए उनसे खाली रेंट ले रहा तो इनको ये हेल्प हो गई कि इनको डिपॉजिट नहीं देना पड़ा, उसको ये हेल्प हो गई उसका रेंट शेयर, ठीक है ना, सब 5,000 में रूम लिया और 50,000 डिपॉजिट उसने दे रखा, बाकी ये आया कि इन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक है पर हेड 2,000 रुपये या 3,000 में वो आ गए 3 लोग मिल गए तो 3,000 के हिसाब से 9,000 उसको मिला, तो उसका अपना भाड़ा निकल गया खर्चा भी निकल गया। इनको बेनिफिट ये है कि इनको एक 3,000 पे देके विदाउट डिपॉजिट देके बिना किसी टेंशन के एक जगह करते हैं लोग जो बाहर से ऐसे ही कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही करना। और बॉम्बे आने के बाद जो है जो एक प्लान ऑफ एक्शन है वो यही है कि आप आओ सबसे पहला काम है आपको अपना अकोमोडेशन का अरेंजमेंट,